हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या है। लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 देन स्क्वायर रूट प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स विच इज रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 देन स्क्वायर रूट एंड देन पुट द प्लस माइनस साइन। यदि यहां पर ध्यान रखना है, यदि एक्स माइनस आयोटा वाई फॉर्म में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो फॉर्मूला मेरे पास सेम रहेगा, ये साइन चेंज होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसका मॉड्यूलस, प्लस एक्स अपॉन 2 एंड स्क्वायर रूट, यहां पर क्या आएगा, माइनस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2, रिमेनिंग एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और हम अज्यूम करते हैं इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी। हमें यहां पर ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्क्वायर कर रहे हैं हम दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, स्क्वायरिंग दिस साइड वी गेट ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दीज कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो यहां पर हम लोग इक्वलिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल्स इफ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड 2ab इक्वल्स टू वाई। यहां से मेरे को दो इक्वेशन है, यहां से मेरे को a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां से अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4ab मींस 4ab के 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसका स्क्वायर कर दें हम लोग तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर का रूट, और ये किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड विच इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हम लोग ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड। एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट 2a स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड a इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2। यहां पर a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 वी मे गेट द वैल्यू ऑफ b, तो यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स को इधर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, मॉड बी स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2, तो b की वैल्यू यहां से क्या होगी मेरे पास, b इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2। a और b की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और मेरे पास क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस कॉमन लेंगे दोनों से, यहां पर क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे आयोटा
मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन टू एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। यदि मेरे पास x माइनस आयोटा वाई फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हम लोग अज्यूम करते जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा b। तो यहां पर a और b की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन यहां पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। हम एग्जांपल से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग एक एग्जांपल करते हैं कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा और हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ जेड, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए स्क्वायर रूट ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स विच इज रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टू एंड देन स्क्वायर रूट प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन टू देन स्क्वायर रूट एंड रूट प्लस माइनस साइन। तो देखिए यहां से सबसे पहले मॉड ऑफ जेड कैलकुलेट कर लें। मॉड ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा किसके इक्वल होगा, 2 प्लस एक्स, एक्स क्या होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज 1 अपॉन 2 देन स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन प्लस माइनस ये कितना हो गया, रूट 3 प्लस 2 माइनस 1 आयोटा अपॉन रूट 2। तो और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें देन प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉमन ले लें देन रूट 3 प्लस आयोटा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 प्लस आयोटा। यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता जेड इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहां पर केवल नेगेटिव साइन आएगा और सारी वैल्यूज सेम रहेगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 और यहां पर ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते।